बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आज सना के जायकों के साथ मैं बहुत ही मज़ेदार कढ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी मेरे अंदाज़ में। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जनाब, ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार सी वीडियोज़ आपको बर वक्त देखने को मिलती रहे। तो चले जल्दी से देखें, यहाँ पर मैंने एक कप जो है बेसन लिया है, छान के आपने बिल्कुल साफ़ करके लेना है, बगैर छाने आपने यूज़ नहीं करना। और इसको पानी से हमने घोल लिया, ठीक है, बिल्कुल पतला सा इसका हमने एक स्लरी सी बनानी है, पूरा इसको डाल के अच्छी सी स्लरी बनानी है। यहाँ पे मेरे पास एक पाव दही है, खट्टा दही आप लें, पानी वाला खट्टा दही वो आप इसके अंदर डालें, इसको मिक्स करें, अच्छी सी इसकी स्लरी बना लें। बस इसको जब आप बनाएंगे ना तो आपके घर वाले कहेंगे वाह आज तो बहुत ही मज़ेदार नए अंदाज़ की कढ़ी खिलाई है तुमने हमें। ये देखें यहाँ पे मसाले नोट कर लेते हैं हम। यहाँ पे हल्दी ली है मैंने 3 खाने के चम्मचे, 3 खाने के चम्मचे यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च है, और 3 खाने के चम्मचे ही नमक यहाँ पे मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं नमक मिर्च, अच्छा मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। वो कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता जो है आपने अच्छा खासा लेना है, ठीक है, मुट्ठी भर कर आपने, ठीक है। 8-10 जो है साबुत लाल मिर्च है, ये सब तड़के में जाएगा, और यहाँ पे ये ज़ीरा है। अच्छा ये तड़के में भी जाएगा सामान, और जो है मसाले में भी जाएगा भूनते वक्त, मैं आपको बताऊँगी आगे चल के किस तरीके से। तो चले मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें आप। अब ये हमने यहाँ पर जो है पकौड़ों का लिया है, यहाँ पर मेरे पास प्याज है, 4 दरमियानी आपने प्याज लेनी है, 2 हरी मिर्चें आपने बारीक काट लेनी है, और यहाँ पे मेथी है, कसूरी मेथी होती है ना, सूखी मेथी वो है, और ज़ीरा आपने लेना है। यहाँ पे नमक डाला है मैंने, 2 टीस्पून डाला है, 2 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसके अंदर। ये सब हमने बेसन में डाल के इसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है पकौड़ों के लिए, जैसे हम रमज़ान में पकौड़े बनाते हैं ना, बस वैसे ही बनाना है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। अब ये देखें मसाला, ये मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो सारे मसाले मैंने तेल में कड़कड़ाते हुए तेल में डाले हैं, और अब ये जो मैंने बनाया था बेसन और दही का पानी वो इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है। अब पानी आपने इसमें अच्छा खासा छोड़ना है, ताकि कढ़ी पकेगी ना जितना तो उतना ही मज़ा आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 गिलास भर कर पानी डाला है। अब यहाँ पे मैं ये देखें पकौड़े बना रही हूँ, जल्दी जल्दी इसके कढ़ी के हम पकौड़े बना लेंगे। अच्छा बेसन को हमने पकौड़ों के ज़्यादा स्टे नहीं देना होता प्याज डालने के बाद, क्योंकि प्याज जो है ना वो फिर पानी छोड़ देगी और आपका बेसन बहने लगेगा। पकौड़े हमारे देखें कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए। आप इसको बनाएँगे ना रेसिपी को तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, सब उंगलियाँ चट करते रह जाएंगे। बस ये अब हमारा कढ़ी जो है हमारी तैयार हो गई थी, मैंने तकरीबन 2-3 घंटे इसको पकाया है। खूब कढ़ी को पकाने के बाद फिर इसके अंदर मैंने पकौड़े तलकर इसके अंदर शामिल कर दिया। अब यहाँ पे देखें तड़के के लिए मैंने जो है 1 कप भरकर, जो हम चाय वाला कप पीते हैं ना नॉर्मल वाला, वो कप भरकर मैंने तेल लिया है। तेल में मैंने ये सारा तड़के का सामान डाला है, 3 ये हरी मिर्चें, इसकी डंडियाँ आपने निकाल देनी है, ठीक है। और बस फिर ये तड़का गरम गरम आप इसके ऊपर डालें और इसको कवर कर दें, गरम मसाला छिड़कें इसके ऊपर, चाट मसाला छिड़कें इसके ऊपर, और फिर इसको हल्का सा आपने चमचा चलाना है, ताकि मसाला जो तड़का लगाया हमने वो पूरी कढ़ी में फैल जाए। तो बस आप इसको देखें कितने मज़ेदार लग रही है ना खाने में, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको चावल के साथ खाएँ, आप इसको रोटी के साथ खाएँ, बहुत मज़ा आने वाला है आज आप लोगों को। मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत पसंद आई थी। तो चले मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।